हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, मेरी जो सेकंड पेमेंट है यूट्यूब की तरफ से वो आ चुकी है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी सेकंड पेमेंट है इसको आने में कितना टाइम लगा, साथ साथ जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी वो कितने दिनों में आई थी और जो सेकंड पेमेंट है वो कितने दिनों में आई है, साथ साथ जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितनी आई थी और जो सेकंड पेमेंट है वो मेरी कितनी आई है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट पेमेंट के ऊपर तो आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन जो सेकंड पेमेंट होती है यूट्यूब की तरफ से उस पर आपको बहुत ही कम वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी। सो इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड पेमेंट के बारे में, साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट पेमेंट आपकी आ जाती है उसके बाद जब सेकंड पेमेंट आती है तो उसके बाद यूट्यूब में कुछ चीजें आपको करनी होती है या फिर कुछ भी नहीं करना होता है। तो सारी चीज वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं और मेरी कितनी पेमेंट आई है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि जो मेरी सेकंड पेमेंट है वो यूट्यूब की तरफ से आ चुके। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो मैसेज देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे मेल भी देख सकते हैं जो कि यूट्यूब ने भेजा है जब मेरी पेमेंट वहां से रिलीज हुई थी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी सेकंड पेमेंट है उसको आने में कितना टाइम लगा। सो गाइस, जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी यूट्यूब की तरफ से उसको आने में मेरे को 5 महीने लग गए थे। जी दोस्तों, 5 महीने। और जो मेरी ये सेकंड पेमेंट आई है इसको आने में 4 महीने का समय मेरे को यहाँ पे लगा है। असल मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे आपकी फर्स्ट पेमेंट आ जाती है उसके बाद जैसे सेकंड पेमेंट आती है तो आपको कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी जैसे फर्स्ट पेमेंट आ जाती है उसके बाद आपने जो फर्स्ट पेमेंट पे जो भी सारी सिस्टम सेटिंग्स वगैरह की थी, जो भी सारी चीजें लगाई थी, एड्रेस वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम आपको वही रहने देना होता है, आपको कोई कुछ चेंज नहीं करना होता है। जैसे आपकी जो पेमेंट है वो यहां से रिलीज होती है यूट्यूब की तरफ से, आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही आ जाती है। मतलब कि मैं आपसे कह सकता हूं कि जो फर्स्ट पेमेंट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको जो सेकंड पेमेंट आती है यूट्यूब की तरफ से उसमें आपको एक भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, अगर आपकी पहली पेमेंट आ चुकी है तो। सो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरी सेकंड पेमेंट है वो यहां पे कितनी आई है। अगर आप मेरी फर्स्ट पेमेंट जानना चाहते हैं कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपनी फर्स्ट पेमेंट वाली जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जो सेकंड पेमेंट है वो कितनी आई है। मेरी सेकंड पेमेंट इतनी आई है कि मैं उसमें पोको M3 एक नया स्मार्टफोन खरीद सकता हूं। अब आप सर्च कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे कि जो पोको M3 स्मार्टफोन है वो कितने रुपए का है। इसमें 400-500 रुपए थोड़े कम है लेकिन लगभग इतने ही है। आप सर्च करके देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे कि कितने का ये स्मार्टफोन है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।